हाय, वेलकम टू रेनबो लाइफ। आज वीडियो में बात करेंगे बेबी बिब्स के बारे में। आप जानते ही हैं, बहुत प्यारे प्यारे कोट्स में, डिफरेंट फैब्रिक में, डिफरेंट स्टाइल्स में, कलर्स में बहुत सारी बिब्स अवेलेबल होती हैं, बट बिलीव मी, उनमें से बस कुछ ही होती हैं जो वाकई काम की होती हैं। और वो बिब्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी बेबी के लिए यूज़ की और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डिफरेंट स्टेजेस पर हमें डिफरेंट बिब्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप हर स्टेज पर एक अच्छी बिब चूज़ करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी पेरेंटिंग को ईजी कर सकते हैं। बच्चा भी कम्फर्टेबल रहेगा और आपको भी एज अ पेरेंट काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 to 6 मंथ के बेबीज की। आप जानते हैं कि 1.5 से 2 महीने में बच्चे में स्पिटअप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो 6-7 महीने तक चलती है, या फिर कभी कभी जब हम बर्प कराते हैं, डकार कराते हैं, तो भी बच्चा थोड़ा सा दूध निकाल देता है। तो ऐसे में एक अच्छी बेब लगा के रखना काफ़ी काम आसान कर सकता है। कुछ थोड़े दिनों बाद ही टीदिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होने लगती है। तो एक्सेसिव ड्रूलिंग के टाइम पर भी बेब बहुत काम आती है, क्योंकि बच्चा जब लार लगातार निकालता है मुंह से, तो फिर यहाँ पर अगर बेब आपने लगा रखी है तो नीचे के कपड़े जो हैं वो गंदे होने से बच जाएंगे, वेट नहीं होंगे, और साथ में हाइजीन भी रहेगा, क्योंकि बेब को आप फटाफट से, जैसे आपने देखा कि थोड़ा भी खराब हुआ है, गीला हुआ है या गंदा हुआ है, तो आप उतार के दूसरी बेब यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली बेब है वो है ये वाली, जो 0 to 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, और पीछे आप देख रहे हैं कि वाटरप्रूफ शीट लगी हुई है, और इतना ये थिन है कि कुछ एक्स्ट्रा बच्चे को कपड़े के ऊपर लगाया हुआ है, पहनाया हुआ है, ये उसको फील नहीं होगा, बहुत लाइट है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। ये लाइट वेट है, ये इसमें स्टेन नहीं पड़ते, ये इजी वॉश है, इजी ड्राई है, और ऑब्वियसली जो ये इसका वाटरप्रूफ वाला पार्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि नीचे बिल्कुल बच्चे के कपड़े गंदे नहीं होते, गीले नहीं होते। तो मैंने जितनी भी बिब्स यूज़ करके देखी, उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये वाली लगी। बहुत लाइट वेट, फुल फ्रंट कवरेज, इजी वॉश, इजी ड्राई, नो स्टेन, वाटरप्रूफ, और एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा करती है ये। इसमें जो स्नैप बटन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि अनकंफर्टेबल रहेगा, चुभेगा, बिल्कुल नहीं चुभता है। और अगर ऐसा लगे कि ये बेब कहीं बच्चे को चोक ना करे और ज़्यादा टाइट सी लग रही है, तो आप क्या करिएगा कि जब उसको पहनाएंगे तो बेब और नेक के बीच में अगर एक फिंगर आप घुमा पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिल्कुल फाइन है। क्योंकि अगर बेब का साइज़ नीचे तक होगा, ऊपर तक नहीं रहेगा, तो फिर जो भी मुंह से गिरेगा वो कपड़ों पर अंदर जा सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल नेक के साथ चिपकी हुई बेब ठीक रहती है। तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ठीक लगा मुझे, और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बच्चा जब कुछ भी निकाल रहा है तो अगर नीचे वाले कपड़े गंदे हुए भी, जैसे लोअर गंदा हो गया, लेकिन यहाँ चेस्ट पे जो है काफ़ी बचाव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें अगर कपड़े चेंज करने में टाइम भी लग रहा है तो भी बच्चा अंदर से गीला नहीं है और ठंड नहीं लगेगी उसको। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और आप उसे फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले लिक्विड देते हैं, फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड पे आते हैं, तब एक अच्छी बेब यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आप बच्चे को पूरा फ्री छोड़ दें कि जैसे भी उसको खाना है खाएं, और आपके लिए भी वो मेस ना क्रिएट हो, उस मेस को मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाए। तो उसके लिए ये वाली बेब बहुत अच्छी रहती है। इसकी जो सामने जो ट्रे लगी हुई है ये बहुत बढ़िया है, कुछ भी गिरता है इस ट्रे में गिरता है और चीज़ें मेस होने से बच जाती हैं। ये जो बेब है ये 2 के पैक में आई थी, और 2 आर मोर देन एनफ। अभी मेरा बेबी 1 ईयर का हो चुका है और 6 महीने से मैं ये दोनों बिब्स यूज़ कर रही हूँ, कोई डैमेज नहीं हुआ इसको। इस बिब का मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता है। जब आप बेबी की डिशेज साफ़ कर रहे हैं, उसी सोप से आप इस बिब को भी क्लीन कर दें और साइड में रख दें। और थर्ड बिब है ये वाली, मैंने अभी रिसेंटली इसको ऑर्डर किया है। आप देख रहे हैं कि इसके स्लीव्स जो हैं वो फुल स्लीव्स हैं, और पीछे से आप ऐसे टाई कर सकते हैं इसको एप्रन की तरह। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी जैसे विंटर्स आने वाली हैं, तो फुल टी शर्ट्स को ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा और गंदा होने से बचा लेगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अब मुझे बेबी को इंडिपेंडेंटली खुद से खाने के लिए मोटिवेट करना है, तो मैं इसे पहना के उसे आराम से खाने के लिए फ्री छोड़ सकती हूँ। वो जितना मेस क्रिएट करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा बहुत बच्चा फैलाएगा, उसके लिए उसे फ्री छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी यूज़ करके काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इजीली मैनेज हो जाएंगी।
ये बिब आगे एक्टिविटीज में भी काम आएगी, जब बच्चा स्टार्ट करेगा कलरिंग करना या सैंड से खेलेगा या किसी और चीज़ों से खेलेगा जिससे कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो उस टाइम पर भी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। एज यू नो पेरेंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लर्निंग में चीज़ें फैलती हैं, गंदी होती हैं, हम उन्हें फिर से ठीक करते हैं और अगले दिन वो वापस वहीं पहुँच जाती हैं। बट प्रोसेस ऑफ लर्निंग रुकना नहीं चाहिए, जितना हम कोशिश कर पाएं चीज़ें मैनेज करने की उतना करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब रेनबो लाइफ फॉर मोर सच वीडियोज़। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।